कुल देवी है। देखो गाइस यहाँ से दिख रहे हैं मंदिर, थोड़ा सा स्लांट एरिया ना ये। दी आपकी वीडियो तो मेरे फोन में भी आती है, ये हम पूर्ण आहुति देंगे। क्या नाम है आपका? सारी कन्याएं जाएंगी जमने। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये गुड मॉर्निंग है मेरी गांव से और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह इतनी चहल पहल हो रही थी, तैयारियां हो रही थी, पंडित जी के लिए फ्रूट्स कट रहे थे और इसलिए मेरी भी आंख जल्दी खुल गई। तो आज जो मंदिर स्थापित हो गया है ऑलरेडी, उसका भंडारा रखेंगे और मैं ट्राई करूंगी छोटी छोटी क्लिप्स डालने की उसमें। एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स है क्योंकि जो ये है हमारी कुल देवी है मनसा माता जी, उनका मंदिर स्थापित हुआ है तो सब लोग इतने खुश है, बहुत अच्छी वाइब्स है आसपास भी और बहुत मजा भी आ रहा है मुझे तो ऑनेस्टली। लेकिन अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ फटाफट से, वरना मुझमें डांट लग जाएगी। क्योंकि कोई भी अगर काम होता है ना, जैसे इवन इफ की फ्रूट्स काटने हैं पंडित जी के लिए, तो वो भी नहा धो के अच्छे से करने होते हैं, तो अभी तो मैं तो कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। एंड इसीलिए अभी मैं नहाऊंगी, मम्मी की हेल्प करूंगी, छोटी मम्मी की हेल्प करूंगी। गाइस देखो मंदिर के आसपास ना सुबह सुबह बहुत सारी चिड़ियां आ जाती है क्योंकि दादाजी दाना डालते हैं, तो पूरे टेरेस पे, उधर है पूरे टेरेस पे चिड़िया ही चिड़िया हो जाती है। ये है कुछ आज का मौसम। गाँव में ना सुबह सुबह यही आवाजें होती है, चिड़ियों की, पशु पक्षियों की, पीसफुल आवाज, बहुत अच्छी, मजा आता है। और इस बार मुझे एक भी बार नेवला नहीं दिखा यार, मैं ट्राई कर रही हूँ पर अब वो छुप जाते हैं। जब वो छोटे छोटे होते थे बचपन में, इधर से उधर भागते थे, इधर से उधर भागते थे, दिख जाते थे। अब वो थोड़े समझदार हो चुके हैं, वो इंसानों के सामने कम आते हैं। ये इनका पुराना अड्डा है, ये सारी रहती है, इनका एक घर सा बना हुआ है। अच्छा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गाइज इस छत पे आ गई, इतनी अच्छी धूप लगती है, इतनी अच्छी धूप लगती है, बहुत अच्छी। ये देखो ये इनका घर बना हुआ है, चारों यहीं सोती है और मस्त मजे लेती है। देखो दोनों मम्मी तैयार हो गई हैं। गुड मॉर्निंग, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। और हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी के मंदिर। पहले था वो गिरने वाला था, अच्छा वो अब नया बनाया, वहाँ पे प्रतिष्ठा हो गया, आज लास्ट है। वहाँ पे जग भी है और नौ कन्याओं को जुमाएंगे, हाँ। और भंडारा भी है पूरे गांव के लिए, बहुत फेमस अलग सा रास्ता है के लिए। गाइस मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैंने भी सूट पहन लिया है और हम यहाँ से जाएंगे। कौन सा यहाँ से रास्ता है ना, ये भराटा, हाँ कच्चा रास्ता जाता है। इतनी सारी गाड़ी है आज यहाँ पे खड़ी, वैसे नहीं होती होगी ना। देखो गाइस यहाँ से दिख रहे हैं मंदिर, ये हमारा, और हम यहाँ से जाएंगे। आ जाओ छोटी मम्मी, मेरा प्रमोशन कर रही है। ये हमारे प्रधान की रामपुर काउंसिल के, अच्छा। और गाइस यहाँ पर देखो खाना बन रहा है, बन रहा है यहाँ पे, कितने खुशबू आ रही छोटी मम्मी, है ना। और ये मंदिर नया जो बना है, सुंदर लग रहा है, वाह। पहले यहाँ पर हमें छोटा पत्थरों वाला होता था, है ना, छोटा सा मंदिर होता था, हाँ। दादाजी ने बनाया था, तेरे दादा, तब यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, दूर से पानी लाना, और जो उसमें मटेरियल था वो भी बोझा ढो के, तो बड़ी पत्थर का सा मंदिर बनाया। और इस अब ये जो गिरा के नया बनाया, वो मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते जी। सारा श्रेणी को जाता है क्योंकि इन्होंने ये मंदिर बड़ी श्रद्धा और भाव से बनाया हुआ। अच्छा धन्यवाद आपको सबसे, सबकी ओर से। गाइस ये देखो ये है फ्रंट व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर फूलों की माला बन रही है और छोटे पापा भी सुबह से लेकर यहीं लगे हुए हैं और सारी कन्याएं भी आ गई जमने के लिए। छोटे पापा सारी तैयारियां करवा रहे हैं। थोड़ा सा स्लांट एरिया ना ये, और दादाजी अंदर है मंदिर में। गाइस देखो सारी कन्याएं यहाँ पर बैठ गई है जमने के लिए, यहाँ हवन होगा, है ना मम्मी। और ये है एक सब्सक्राइबर, हाय हेलो बोल दो, आप भी आओगे वीडियो में। क्या नाम है आपका? काव्या। अरे ये कौन है? काव्या। अरे ये कौन है? मैं अब शर्मा रही है। ये मुझे भी कह रही थी कि दीदी आपकी वीडियो तो मेरे फोन में भी आती है, क्यूटी सुंदर आ रहे हो आप, है ना, देख सुंदर आ रहे हो आप। और यहाँ पे छोटे पापा, छह दिन से छोटे पापा कर रहता है ना। ये है मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सजा है। और ये हमारे कुल पुरोहित जी है और ये भी कामों में व्यस्त है। क्या क्या किया तूने सुबह से लेकर? तो नहीं कुछ ऐसे ही, थोड़ा बहुत काम होता है साफ सफाई का यहाँ पे, बड़ा अच्छा है यहाँ से। ये हमारा मंदिर है। ये हम पूर्ण आहुति देंगे, हाँ?
ये बच्चा इतना शरारती है, बहुत शरारती है। क्या नाम है आपका? पुप्पू। पुप्पू कैसा नाम हुआ? आपका क्या नाम है? बताओ परी आपका क्या नाम है? तेरे पास तो बिल्कुल भी ना है, तुझसे तो वैसे ही डरेगी। आजा आजा परी। नहीं ऐसे नहीं आती किसी बात। दीदी के पास आओगे आप? दीदी के पास तो आओगे, है ना? परी जाओ, है ना? दीदी के पास आते किच्ची कर दे दीदी को। सारी कन्याएं जाएंगी जमने। जिमने बैठो, पंडित जी को भेजो। पंडित जी आ जाओ जी, एक मिनट को आओ। एक मिनट, ये नहीं मानता, ये शरारती बच्चा। सारी कन्या जमने के लिए बैठ गई है। हाय बोलो। हाय हाय। गाइज सारा कुछ हो चुका है और भोग भी हमने चख लिया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस। मम्मी छोटे पापा वगैरह भी वहीं हैं, छोटी मम्मी, क्योंकि वहाँ उनको कुछ काम है, काम समेटना है। बट मैं हिमांशु बच्चे बच्चा पार्टी वापस जा रहे हैं। गाइज मैं इतना थक गई हूँ क्योंकि अभी खा कर आए हैं खाना और फिर इतनी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ रहा है। और ये देखो यहाँ पर, जैसे मैं बता रही थी ना कल कि ये रोड पे क्रिकेट खेलते हैं, ये देखो। और ये विकेट बना रखी है, मेरे ऊपर मत फेंकियो। गाइज हम जा रहे हैं अब वापस घर को, और मंदिर का जो भी था स्थापना वापना सब कुछ हो चुकी है, तो हम बस निकल रहे हैं। बाय बाय। हम घर आ गए हैं वापस, और सबसे पहले हमें जैसे एज ऑलवेज मारा ही दिखती है। मारा मारा मारा।